नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक सागर है, मैं आपका दोस्त हूं और आपका होस्ट हूं। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि पॉर्न कैसे देखनी चाहिए। जी, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको देखनी चाहिए, पर मैंने आपको एक वीडियो में बताया था इससे पहले कि जो लोग देखते हैं, इस तरह की वेबसाइट्स पर जाते हैं, उनके साथ क्या रिस्क होते हैं, किस तरीके के वायरस उनके फ़ोन में कैसे आ जाते हैं। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि अगर जो लोग देखते हैं तो कैसे देखते हैं, क्योंकि उन लोगों ने, देखिए एकदम ऑनेस्ट रहते हैं, उन लोगों ने कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया, किसी का मर्डर नहीं किया, कुछ नहीं किया, इवन किसी और को नुकसान भी नहीं पहुंच रहा है, तो ठीक है, वो अपनी लाइफ के साथ जो कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आपके डिवाइसेस को, आपके नेटवर्क को, आपके कंप्यूटर को सिक्योर करना सिखा सकता हूँ, आपकी आदतें अच्छी कर सकता हूँ इस साइबर की दुनिया में। वैसे तो जितना बचना चाहते हो बच सकते हो, लेकिन अगर देखते हो तो इस वीडियो को देखो। और वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा कि मेरे साथ आओ पॉर्न देखो, मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, और कहाँ देखोगे, अपने घर में ही देखो। मैं तो तरीका बता सकता हूँ आपको कैसे आप सिक्योर रह सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अगर ऐसी वेबसाइट को सर्फ करना ही है तो सिक्योरली एकदम बॉस की तरह कैसे करना है। सबसे पहली चीज आपको करनी है कि आपको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट या जिस भी डिवाइस में देख रहे हो उसमें एक अलग ब्राउजर इंस्टॉल करना है। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ऐसा होता है कि आप जिस ब्राउजर में ऐसी वेबसाइट्स खोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर उस वेबसाइट का नाम एक्स से शुरू होता है और उस एक्स से या एस से या टी से कोई और वेबसाइट भी शुरू होती है, और आप बड़े लोगों के साथ हो और वो बोलते हैं कि बेटा ये वाली वेबसाइट खोलियो, और जो आपकी पॉर्न वेबसाइट थी उसका जो नाम टी से शुरू होता है, और आपके दुर्भाग्य की बात है कि उनकी वेबसाइट का नाम भी टी से शुरू होता है, आपने जैसे टी लिखा एड्रेस बार पे और कहीं और देखने लग गए तो वेबसाइट की सजेशन में पॉर्न वेबसाइट की लाइनें लग जाती हैं। अब साइड वाला भी देखता, सब लोग भी देखते हैं ये क्या हो रहा है। फिर आप अपनी किस्मत को कोसते हो कि आपने क्लियर क्यों नहीं किया सब कुछ। तो ये एक बहुत ही सही चीज है कि आपको एक प्राइवेट अलग ब्राउजर इंस्टॉल कर लेना चाहिए अगर इस तरीके की वेबसाइट सर्फ करते हो। मैं तो यही बोलूंगा कि गूगल क्रोम से ही करो, सिक्योर ब्राउजर है, लेकिन फिर भी एक अलग ब्राउजर डाल के रखो सेकेंडरी में, यू नो, जब काम खत्म हो हटा दिया, तन तना तन, किसी को क्या पता चलेगा, तो एक अलग ब्राउजर जरूरी है। कई लोगों की डेडिकेशन इतनी ज्यादा होती है कि वो सिर्फ पॉर्न देखने के लिए एक ऐप डाल लेते हैं। अब वो, उनको पता नहीं होता कि असली पॉर्न मिलेगी कहाँ, तो वो क्या करते हैं, प्ले स्टोर पर जाते हैं और लिखते हैं पॉर्न, प्ले स्टेशन पर लिखते हैं पॉर्न। तो वहाँ आप जानते हैं प्ले स्टोर पर आजकल अजीब अजीब सी एप्लीकेशन है, ये वो इसका वो ये फलाना ढिकाना, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और उनमें होता है नहीं कुछ, वैसे कुछ नहीं होता, हाँ कुछ नहीं होता उनमें, बस फालतू के मावेयर इधर उधर की एप्लीकेशन और इंस्टॉल होने लगती हैं 10-15 तरह की, और फिर वो भाप का फोन कचरा घर बन जाता है, उसमें कुछ होता नहीं है। तो पॉर्न के लिए जो स्पेशल पॉर्न की जो एप्लीकेशन, पॉर्न के लिए कौन एप्लीकेशन डाउनलोड करता है यार, नहीं कोई भी सेपरेट पॉर्न के लिए एप्लीकेशन जिसमें जो पॉर्न की एप्लीकेशन है, ऐसी एप्लीकेशन कभी डाउनलोड नहीं करनी, क्योंकि इसमें बड़े बड़े ऐड प्रोवाइडर्स नहीं आते, ज़्यादातर प्रोवाइड नहीं करते, जो ऐड होते हैं वो बहुत डॉजी होते हैं, कैसीनो, गैम्बलिंग, स्कैम्स, इन सारी चीज़ों के एड्स जो होते हैं वो इसमें डाले जाते हैं, सारी गलत चीज़ें ऐसी एप्लीकेशन और वेबसाइट्स में होती हैं, तो आपको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए और पॉर्न के लिए अलग एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करनी चाहिए। इतना डेडिकेशन, आप अपने डिवाइस में अगर पॉर्न सर्फ कर रहे हैं तो आपके डिवाइस में एंटीवायरस होना जरूरी है, जरूरी मतलब जरूरी है। अब ऐसा होता है कि जो लोग पॉर्न सर्फ करते हैं, किन्हीं के पास, कई तो इतने खुशकिस्मत होते हैं कि उनके पास अपना फोन होता है, अपना डिवाइस होता है, और कई लोग दूसरों के डिवाइस में, घर का एक ही फोन है उसमें करते हैं, तो भैया सांप के बिल में हाथ दे रहे हो तुम, अगर कुछ भी क्लियर नहीं करते खत्म है मामला तुम्हारा। खैर इस बात का ध्यान रखें, और मैंने आपको बता दिया एंटीवायरस होना जरूरी है आपके फोन में, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं एंटीवायरस होना चाहिए, जो आपको अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स और मॉलवेयर, स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, फ्लैश में एम्बेडेड स्क्रिप्ट और इस तरह की स्क्रिप्टों से दूर रखे और आपके डिवाइस को सिक्योर रखे, और वो अपडेटेड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है 3 साल पहले का एंटीवायरस डाला हुआ है और बैठ के चने खा रहे, बोला अरे भाई साहब 3 साल पहले डाला तो था, अरे भैया उसको अपडेट तो कर ले, उसकी वायरस डेफिनेशन 3 साल पुरानी है, नए वायरस आ चुके हैं, जल्दी से अपने एंटीवायरस को अपडेट करो, नया एंटीवायरस डालो, उसके बाद सोचना कुछ ऐसा सर्फ करने की। अब कई लोग हैं देखे बिना मानेंगे नहीं, ऐसी वेबसाइट पर रिस्क तो है ही, तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसी चीज आपको सही में देखनी है तो उसके लिए कई सेफ जगह भी हैं। आप ऐसी वेबसाइट को ही सिलेक्ट करें जिसका थोड़ा बहुत मार्केट में नाम हो, क्योंकि जिनका नाम होता है उनको बदनामी होने से डर लगता है, और बदनामी होने से डर लगता है तो वो उल्टे सीधे स्कैम अपनी वेबसाइट पर नहीं डालते, ठीक है।
तो ऐसी वेबसाइट ही सर्च करो जो थोड़ी ट्रस्टेड हो, जिसका नाम आपने पब्लिक में सुना हो, ज़्यादा लोगों से सुना हो। इसका मतलब वो पॉपुलर वेबसाइट है, उसकी कोई रेप्यूटेशन है, और रेप्यूटेटेड लोग ज़्यादातर धोखा नहीं देते। तो इसीलिए ऐसी वेबसाइट ही सिलेक्ट करें जो कल परसों में वेबसाइट बनी हो, जिसमें वो पॉन से ज़्यादा फालतू के एड कॉन्टेंट हों, तो ऐसी साइट से बचें। और रेडिट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं और वो आप सेफली और सिक्योरली देख सकते हैं। अगेन, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप देखना चाहते हो तो देखिए, नहीं देखना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, हाथ मिलाओ इसी बात। आखिरी चीज़ जो आपको करनी ही करनी है अगर आप ऐसी चीज़ें सर्व कर रहे हैं, एक VPN इस्तेमाल करना है। अगर एंड्रॉयड में आप हैं तो एंड्रॉयड में फ्री VPN मिलते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, लिखिए फ्री VPN, बहुत सारे VPN हो जाएंगे, इंस्टॉल करिए और उससे कनेक्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आप जो भी वेबसाइट सर्व करेंगे वो डायरेक्ट आपके ऑपरेटर से एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बन जाएगा, और आप ऐसी वेबसाइट भी, इसका प्लस पॉइंट बताऊं, असली बात ये है कि जितने भी ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स हैं, BSNL हो गया, इतनी जितनी भी हो गई, ये पॉन वेबसाइट्स को अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं इसमें वायरस है और अच्छी वेबसाइट्स नहीं है। तो वो लोग, कई नेटवर्क ऑपरेटर ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक करके रखते हैं। ऐसे में तो आप सर्व कर ही नहीं सकते, वो खुलेंगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप VPN इस्तेमाल करते हैं, दुनिया की कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं आप। तो ये फायदा है, आपकी जो आप सर्व कर रहे हैं उसके ट्रेसेस भी आपका ऑपरेटर नहीं रख सकता कहीं, पता नहीं, अब छोड़ो जो भी है, पता लग पाएगा मैं क्या सर्व कर रहे हो, क्या देख रहे हो आप। तो ये कोई भी नहीं चाहता ना कि हम क्या देख रहे हैं, तुम्हें क्या मतलब है हमारा क्या देखने का मन है। तो इसलिए VPN इस्तेमाल करो, उससे कोई आपको ट्रेस नहीं कर सकता, आपको ऑपरेटर ट्रेस नहीं कर सकता। जो ब्लॉक्ड वेबसाइट है आपके एरिया में, वो भी आप अनब्लॉक कर सकते हैं सेफली सिक्योरली, आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद ऑन सीरियस नोट मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर किसी को भी इनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आप इस तरीके की वेबसाइट सर्व कीजिए। अगर आप ऑलरेडी इस तरीके की वेबसाइट सर्व करते हैं, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि आप अपने आप को सिक्योर कर पाए, आप कोई परेशानी में ना पड़े, आपके डिवाइस में कोई वायरस ना आए और आप खुशी रहें। और क्या चाहता हूं मैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मजा तो आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हो, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बता देना। जिस वीडियो पर सबसे ज्यादा लाइक्स आएंगे, मेरी अगली वीडियो का टाइटल वही होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। सिक्योर रहना चाहते हो, दुनिया को बचाना चाहते हो, हैकर बनना चाहते हो, शुरुआत करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन से मेरा हैकिंग कोर्स ले सकते हो। 299 रुपए में पहली क्लास आपकी हैकिंग की चालू हो जाएगी। अगली क्लास बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करके ही जाना, ऐसा ज्ञान कोई नहीं देता। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। मजे लूटो।